जैसे कि कंगना रनौत बॉलीवुड की मोस्ट वर्सेटाइल एक्ट्रेसेस में से एक है, कंगना की हाल ही में हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म चंद्रमुखी 2 रिलीज हुई है और फिल्म में कंगना की एक्टिंग की काफी तारीफ भी हो रही है। वहीं अब कंगना रनौत पहली बार एयरफोर्स पायलट के रोल में फिल्म तेजस में नजर आएंगी। इस फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार है, जिसकी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर मेकर्स ने पहली झलक दिखा दी है और फिल्म का दमदार टीजर रिलीज कर दिया है। जी हाँ, आपको बता दें RSVP द्वारा निर्मित तेजस का टीजर काफी धांसू है। पायलट के रोल में कंगना काफी जच रही हैं। टीजर की शुरुआत में कंगना रनौत एयरफोर्स पायलट की ड्रेस में नजर आती हैं। इसके बाद बैकग्राउंड में उनकी आवाज सुनाई देती है और वो कहती हैं, जरूरी नहीं हर बार बातचीत होनी चाहिए, जंग के मैदान में अब जंग होनी चाहिए, कि हो गया है मेरे वतन पर बहुत सितम, अब आकाश में बारिश नहीं आग बरसनी चाहिए, भारत को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। टीजर में कंगना का एक्शन अवतार रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बता दे, तेजस में कंगना और वरुण मित्रा रोमांस करते हुए नजर आएंगे और सर्वेश मेवाड़ा द्वारा लिखित और निर्देशित तेजस में कंगना रनौत लीड रोल में नजर आएंगी। वहीं फिल्म के टीजर को देखने के बाद ट्रेलर के लिए फैंस की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई है। तेजस का ट्रेलर 8 अक्टूबर 2023 को रिलीज होने वाला है। वहीं ये फिल्म सिनेमा घरों में 27 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। जानकारी के लिए बता दें कि कंगना रनौत स्टार्टर तेजस की कहानी एक वायुसेना पायलट तेजस गिल की असाधारण जर्नी के इर्द गिर्द घूमती है। कंगना ने फिल्म में तेजस गिल का रोल प्ले किया है और इस फिल्म का उद्देश्य प्रत्येक भारतीय को इंस्पायर करना और गर्व की गहरी भावना पैदा करना है। फिल्म में दिखाया गया है कैसे हमारे वायुसेना के पायलट रास्ते में कई चुनौतियों का सामना करते हुए हमारे देश के लिए अथक प्रयास करते हैं। वहीं अगर वर्क फ्रंट की बात करें तो कंगना रनौत तेजस के बाद जल्द ही इमरजेंसी में दिखाई देंगी, जिसमें कंगना पूर्व PM इंदिरा गांधी का किरदार निभाती हुई नजर आएंगी, जो कि खुद कंगना द्वारा निर्देशित है। हमारे इस वीडियो पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आज ही INN डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें।